दास वंशों की प्रॉम लैके हाजिर होया रबदास रहे प्रसन्न। इस प्रोग्राम विच तुहाडा निघा स्वागत। बड़े ही प्यार सत्कार दे नाल जय गुरदेव धन गुरदेव। गुरु प्यारे प्रोग्राम चल रहा। पिछले भाग विच भाई साहब भाई मरदाना जी का मैं प्रोग्राम लाया। कुछ एक प्रोग्राम जिहड़ा कि मेरा बहुत जरूरी सी मैं लाना चाहुंदा सी इसे ही प्रोग्राम विच। गुरु प्यारो सतगुर मेरा सो सतगुर प्यारा नाल है जिथे किथे मैनू लै छडाई। मरदाने ने भी सतगुरां नू नाल रखिया। अंतम समय तक मैं गल कर रहा सी अरदास कीती। अरदास दे नाल मरदाना जी नू सतगुरु नानक देव जी ने पुछया 1534 खुरम नदी दे किनारे अफगानिस्तान तो आउंदिया होया मरदानिया की चाहुंदा हिंदू करके जां मुसलमान करके तेरा संस्कार करिए जां दफना दीए। तो सतगुरु जी कहिंदे मरदानिया मेरा चित चाहुंदा है कि तैनू चिट्टे पत्थरां दे समाध दे विच दफन कर दिया जे तू चाहुंदा। तो बाबा जी भाई साहब ने अगे जवाब दिता मरदाना जी ने, बाबा जी सच्चे पातशाह ऐस शरीर दी समाध विचों कढ के मैनू पत्थरां दीआं समाधां विच क्यों पा रहे हो। राज ना चाहूँ मुक्त ना चाहूँ मन प्रीत चरण कमलारे मैनू तुहाडे चरण चाहीदे मैनू समाधां नहीं चाहीदियां। नंबर एक। फिर गुरु दे प्यारो सतगुरां ने जिवें भी इच्छा होई उन्हां दी इच्छा पूरी कीती। ते अंतम समय सतगुर सो सतगुर प्यारा नाल है जिथे किथे मैनू लै छडाई। ते गुरु दे प्यारे सतगुरु अंतम समय तक जो अंत करे निर्वाह संगत करिए साधकी जो अंत करे निर्वाह जिहड़ा अंत तक निभा लवे। मरदाने ने निभाई ते गुरु नानक देव जी ने भी कोई गल दी कसर नहीं छड्डी। ते अज मैं इस गल दे उत्तों कुछ स्नेह लैने चाहुंदा। इस मिलनी दे विच्चों 47 साल की इस जोड़ी दे विच्चों इस सुमेल दे विच्चों इस सांझ दे विच्चों शब्द ते रवाब ते संगीत दे इन्हां धुनां दे विच्चों मैं कुछ खट के जाना चाहुंदा ते दसना चाहुंदा स्नेहा देना चाहुंदा। पहला मैं रवाब दा स्नेहा। भैण ने रवाब लैके देखी वीरा मेरी निशानी नाल रखी भैण नू चेते रखी। नंबर एक। भरावो जिंदगी बड़ी थोड़ी है। जमीना भी इत्थे रह जाणियां नोट भी इत्थे रह जाणे सब कुछ इत्थे रह जाणा। कहिंदे आ वी खाली हथ जाण ते खाली जाणा। मैं पिछले हफ्ते भी गल कीती सी जदों भैणां भरावां विच फिक पैंदी आ बितकरा पैंदा है फुट पैंदी आ दुश्मनियां पैंदियां जमीना करके बैंक कापियां करके फलाने करके कहिंदे खाली जांदा उह जिहड़े दुख आ भरा भी तो भैन भी नाल लैके जाती है। वह आप इतें ही छड़ के जाइए ता कि उस दरगाह साडा कितने निवास चंगा हो। मेरी हाथ जुड़ के बेनती है तुहाडियां लंबिया लंबिया उमर हो लंबिया लंबिया उमर हो पर अंत बेले किसी ना किसी आ मैं जिन्हां दी अज गल कर रहा वह भी तो जा ही चुके ने। सो गुरु के प्यारे मैं एक बेनती करदा अपने रिश्तिया कड़त्तना कढ़ दिओ रिश्तिया कड़त्तना। कुछ नहीं रखिया आ चले जाना इतों चले जाना किसी ने बैठ नहीं रहना। केते वैस गए शेख हयाती गुरु दे प्यारे बड़े बड़े शेख भी चले गए आ कोई नहीं इतने बैठ रहा। मैं फिर बेनती करता ज़्यादा नहीं। दूसरे नंबर ते एक मैं सुनेहा देना चाहता जे सतगुरु नानक देव जी महापुरशा ने जिन्या महापुरशा की बाणी इकट्ठा किया इकट्ठा करके दूसरी पातशाही तक बाबा मोहन तक गुरु अर्जन साहब जी पहुँची तो गुरु अर्जन देव जी ने संपादन करके फिर गुरु के प्यारे सतगुरु गोबिंद सिंह साबो की तलवंडी 1430 अंगा तक बनाउन करके ये सतगुरु नानक देव जी तो मरदाने जी का योगदान है। जेकर अज महापुरशों की बाणी असी मत्थे टेकते हाँ सानू शुक्र गुजार करना चाहिए इन्हां दोहां महापुरशां दा कि इन्हां ने सानू इंट्रोड्यूस कराया भी तुसी
रैवर तुहाडे वडेरे कौन सी। नंबर एक ते जेकर गुरु नानक देव जी ने गुरु रविदास माई दे नाल मिलनी कीती ते उत्थे भाई मरदाना जी भी नाल सी। नमस्कार आ मरदाना जी नूं, उन्होंने भी एडे वड्डे महापुरश है सतगुरु कबीर जी दी सैन जी दी तन्ना जी दी तलोची मैं पहले गल ज़्यादा नहीं, उन्होंने भी दर्शन किए। और उस तो बाद मैं हुण इत्थे आ रहा गुरु दे प्यारिओ, सतगुरु नानक देव जी ने मरदाना जी नूं कहा सी, मरदानिया तेरी हर गल ख्वाहिश होई, जिथे तेरा वासा इतिहास दस रहा बड़िया तुका लिखिया हुई जन साखियां च, जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा। कोई कमी रह जी गुरु एड्डी वड्डी श्योरिटी दे रहा बाणी चो दे रहा, बे मरदानिया जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा, भाव जिहड़ा तेरा दुख हो मेरा दुख आ। अज मैं सतगुर मेरा सत सो सतगुर प्यारा नाल है, अज मैं कुछ क्लिप दिखाउण जा रहा बे जिन्होंने सतगुरु नूं नाल रखिया, पर आपां वी उन्हां नूं नाल रखिए, आपां वी नाल रखिए। मरदाने दी 18वीं पीढ़ी जिहड़ी अज भी कीर्तन कर रही है, वो अपना कवालियां दा धंधा छड के अपने वडेरियां दी उस रीति नूं लै के उस मर्यादा नूं लै के तुरे हुए ने, जिन्हां ने सानू कीर्तन दिता है, कीर्तन दिता है। मैं सारे ही सत्कार जो कीर्तन करन वालियां नूं बेनती करदा, जे सतगुरु नानक देव जी दे नाल मरदाना जी ने कीर्तन लियांदा गाया सुनाया रागां विच, ते अज दे कीर्तन करन वालियां नूं भी मरदाना जी दे प्रति प्यार सत्कार तुसीं करदे हो, मैनूं पता करदे हो, लेकिन बहुत वधिया सत्कार बणदा है। आओ मैं तुहानूं कुछ दस दिया, मैं एक पहले तो उस परिवार नूं चंद क्लिप दिखाउंदा, दिखायो जी भाई मरदाना जी दा है। ये भाई मरदाना जी अगे लै चलो, ये मरदाना जी दा है 18वीं पीढ़ी 18वीं। सतगुरु नानक देव जी ने मरदाना जी नूं कहा सी, तेरियां 21 कुलां तारनियां 21 कुलां तरनगियां, ये 18वीं है पीढ़ी। भाई लाल जी का जथा जिहड़ा कि इंग्लैंड भी कोई 15-20 साल पहले आया सी, दास नूं जदों गुरु रविदास भवन बर्मिंघम दे विच स्टे सैकटरी सी, तकरीबन 150-200 जथा, मैं किहदे नां सारे सुनाऊंगा, सारे इंग्लैंड के जिन्ने भी कीर्तनकार आ सारे पता लग जाए जथा गुरु रविदास भवन दे विच कीर्तन करके गए ने। ये सारे उन्हां दा परिवार, भाई मरदाना जी का परिवार जिहड़ा ननकाणा साहब दे विच और दुनिया भर के 80 मैडल भाई लाल जी नूं मिल चुके ने। 2012 दे विच भाई लाल जी ये उन्हां दे पोते पड़ोते ने, गुरु दे प्यारिओ 80 मैडल 80 सत्कारयोग सर्टिफिकेट भाई लाल जी नूं देशां विदेशां चों मिले ने। मेरियां फोटोआं दिखाउण दा इक्को ही मतलब है, इंडिया दे एक मीडिया ने, प्रिंट मीडिया भी उहो ते आपणे टैलीविजन दा मीडिया भी है, और उन्होंने कुछ साल पहले ननकाणे दे क्लिप इस परिवार दे सुनाए ने। इस परिवार दे विचों गुरुदेव प्या भाई नेम लाल जी, मुहम्मद हुसैन लाल जी, सरपराज मुहम्मद हुसैन जी जिहड़ा कि भाई लाल जी दा पोतरा, इन्हां ने अपनी इंटरव्यू दित्ती है कि असीं रिक्शे चला के सानू साल दे विच 4 प्रोग्राम आउंदे है, इस तों बाद सानू कोई पुछदा नहीं इत्थे पाकिस्तान दे विच, असी बजरी ढो के रंग रोगन करके रिक्शा बाह के पुराने कपड़े बेच के बड़ी मुश्किल दे नाल खाना दाना अपना फुलका तोड़दे हाँ। मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा, अज असी कीर्तन सुनते हाँ, बाबे नानक का नाम लेंदे नाल मरदाने का भी नाम लेंदे हाँ, ते गुरु दे प्यारे मरदाने की अज 18वीं पीढ़ी इदा अपील करे, सानू बिल्डिंगा नहीं चाहीदियां, किते साडी रोटी का प्रबंध कर दिओ, साडे लई कोई इत्थे अकैडमी चला दिओ, जां साडे नूं कीर्तन जिहड़ा आ उह साडे तों हफ्ते बाद कीर्तन सुन लिया जावे, साडा कीर्तन दा ही जिहड़ा ये काम ये चलदा रहे, न्याणियां दा बच्चियां दा फुलका चलदा रहे। अज साडे संसार दे विच किन्ने लखां ही कीर्तनी ने, मेरी हाथ जोड़ के बेनती, मैं तुहाडा सत्कार करदा। भाई मरदाने ने कीर्तन नूं लियांदा बाबे नानक जी दे राहीं, रंधावा जी ने गल कीती है
एक दूए तो बगैर दोनों अधूरे सी। ते आओ गुरु दे प्यारे जी सतगुरु नानक देव जी ने कहा, मरदानिया जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा। आओ आपा भी किते जिथे सतगुरु नानक देव मरदाने दे नाल वासा बना के बैठे आ, अज उन्हां दे परिवार दे नाल भी आपा किते सांझ बनाईए। मैं उस इंटरव्यू नूं सुन रहा सी वे किते परदेसां दे विचों जां कितों 21,000 रुपया उन्हां नूं मंथली लाया तिन्ना परिवारां नूं, ते 21,000 तो कुछ भी नहीं। मैं जद ननकाणा साहब नूं जांदे ने, मैं उन्हां जथियां नूं भी उन्हां सेवादार नूं भी बेनती करदा, सतगुरु नानक देव जी नूं शरदा दे फुल उन्हां दे गुरपुर मनाउण दे नाल नाल भाई बाले दी उस यादगार नूं भी सांभ के रखना, उस पीढ़ी दी भी सेवा करना साडा फर्ज बणदा। जदों भी कोई जावो किते मौका मिलिया, भागां दे नाल चीज़ां मिलदियां ने, मौका मिलिया तो मैं भी दर्शन करांगा, फिर कोशिश करांगे जो कुछ भी हो सकिया। पर मैं फिर बेनती करदा जिन्ने भी ननकाणा साहब नूं जांदे ने उत्थे जाके भाई मरदाना जी दे उस 18वीं पीढ़ी दी जिन्हां नूं काम करन वास्ते भी नहीं हैगा उन्हां दी भी किते बात पुछ लैणी चाहीदी। जय गुरुदेव जी। हाँ ताली गुरुदेव जी। हाँ जी बीबी जी, मैं राती चेते करदा बीबी जी पाकिस्तान तो मेरे नाल कोई गल करनगे। चोला सी बाबे नानक दा भाई मरदाने नूं देता जी। भाई मरदाने ने कहा बाबा जी ए चोला बड़ा ही सोहना है जी। गुरु नानक देव जी ने कहा भाई मरदाने तेन चंगा लगता है जी। भाई मरदाने क्या महाराज सानू बहुत ही चंगा लगता है। कहता है ना मरदाने बाबा जी ने क्या मरदाने चोला पा लिया, चोला पा के किसी के चोली का खिलाफ जी ये उन्हों की वो पीढ़ी है सदे जाइए जी। आज वेखो की करा हूं पे है आवन लगे हाँ कुछ नहीं ना लिया, जावन लगे हाँ कुछ नहीं नाल जाना नहीं जाना। ਯਾਰੇ ਕੱਲੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕਾਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹੂਰੀ ਸੱਚ ਨੇ ਕਹਿ ਚੱਲੇ, ਯਾਰੇ ਕੰਨਿਆਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰੱਖ ਭਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਜੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਜਾਮਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੰਸ਼ਾ। ਆਓ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ। ਚਰਨ ਕੋ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਮਕ ਜੀ ਨੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ
उन्हां दी घरवाली दा सतगुरु नानक देव जी ने प्रदेशां विचों भी पूरा ख्याल रखिया। ते जे बाबा नानक ने मरदाने दे परिवार दा भी ध्यान रखिया ते साडा भी अज फर्ज बणदा है। ते सतगुरु नानक देव ने कहा मरदानिया जिथे तेरा वासा उत्थे मेरा वासा। ते मरदाने दे परिवार दे नाल भी अज सतगुरु नानक देव जी वसदे ने। आओ आपां बड़े प्यार सत्कार दे नाल ननकाणा नूं साहिब नूं जाण वालिओ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। मेरा हुक्म नहीं, मेरा कोई इहदे उत्ते किंतु परंतु नहीं। तुसीं बहुत सेवा करदे आ, गुरु दे बहुत श्रद्धालू, बड़ा प्यारा बाणी नाल आ, मर्यादा विच आ, सब कुछ आ। सो गुरु दे प्यारिओ, पर उहनां दे नाल भी आपां कर लई जिन्हां नाल सतगुरु नानक देव जी ने बहुत प्यार कीता। आओ मैं जिहड़ियां तुहानूं तस्वीरां दिखा लईआं, जिहड़ियां तस्वीरां दिखा लईआं सी, और उस तो बाद मेरा अगला जिहड़ा प्रोग्राम आ गुरु प्यारिओ, हुणे ही ए जो तस्वीरां देख रहे हो, ये 3 एकड़ दे विच एक बहुत उच्ची पहाड़ी पुणे महाराष्ट्र दे विच सतगुरु रविदास माही दा मंदिर बनिया। ये मंदिर दी सोच मैं पहले भी एक बारी दस चुका, बाबू कांशी राम की सोच सी। कर्नाटका तो हैलीकॉप्टर में आए ने और नाल भागमारे जी ने, सुखदेव भागमारे जी जेडे इत्थे दे बछिंदे ने, बिल्डिंग का काम करते सी, और हैलीकॉप्टर घूम रहा तो कोई किसी कारण करके लैंड नहीं सी हो रहा। इस पहाड़ी के आले दुआले घूम रहा सी, ते बाबू कांशी राम जी ने भागमारे नूं पुछया भी आ इन्नी सोहनी पहाड़ी लगती है, इन्ना सोहना रमणीक एरिया, मैं चाहुंदा भी इत्थे गुरु रविदास का मंदिर बनना चाहिए। तो उस वेले भाई भागमारे जी ने 2 एकड़ जमीन जिदा किदा भी सी लै के मंदिर उसारिया। तो हर 7 दसंबर नूं गुरु दे प्यारिओ, ये जड़ा तुसी गुंबद देख रहे हो, आ जड़ा असी देख रहे हैं स्मारक, ये संत रामानंद की याद विच 2010 तो बाद बनाया गया। उत्थे बहुत आलीशान मंदिर, आ जड़ा निशान साहब दसिया 7 दसंबर नू डेरा सचखंड बल्लां दे महापुरश मौजूदा गद्दी सिंह संत निरंजन दास जी और उन्हां दे नाल अपने भाई साहब भाई अपने हरदेव दास जी, दविंदरदास जी, करमदास जी, लेखदास जी और होर संगत जा के पंजाब तो, और उत्थे संगत ना के नगर कीर्तन होंदा, और नाल दियां बाकी होर तस्वीरां दिखाया उत्थे दियां, आ सारे गुमद उत्थे दियां संगत ने नगर कीर्तन होंदा। पंजाब दे विचों जा के गुरु दे प्यारिओ एडा सारा मंदिर उत्थे खड़ा कर दिता है, और उत्थे सेवावां करोटानिया परिवार उन्हां दियां सेवावां होंदियां ने। इह रौनकां देखो 7 दसंबर दियां, जा के देखे अज गुरु रविदास मां दे किते किते जगारे लग रहे ने, महापुरश खड़े ने, संत प्रीतम दास जी जिन्हां दे एक बारी, संत बुलंद शहर वाले है वह भी खड़े ने, संत लेखराज जी अरदास कर रहे ने। ये सारा निशान साहब गुरु दे प्यारिओ पुणे दे विच, कारतक पुणे दे विच गुरु रविदास मंदिर दे उत्ते चलाया जाणा। आओ जिथे ये है उत्थे सिरसगढ़ दे विच भी है, जूनागढ़ मेरे ख्याल हुण पंजाब दे आंध्र प्रदेश वाले, राजस्थान दे विच, नेपाल दे विच, हर जगह दे उत्ते जागृति आई रविदासिया कौम दे सतगुरु रविदास मह दी याद दे विच गुरद्वारे, मंदिर, स्कूल, हस्पताल बन रहे ने। आओ गुरु दे प्यारिओ इन्हां महापुरशां नूं सत्कार करिए, इन्हां दा धन्नवाद करिए जिहड़े कौम नूं सेध दिंदे ने, कौम दा कम करदे ने। सो ये कंछी का पिछे निशान साहब देख रहे हो जिहड़ा मेरे प्रोग्राम दे विच लगा हुंदा, ये जदों माघ दी पुन्निया हुंदी है उदों इन्नियां संगतां उत्थे इकट्ठियां हुंदियां ने, और ये कंछी का वह दरबार माघ दी पुन्निया वाले दिन जिहदे दर्शन करन वास्ते देसां परदेसां दे विचों लखां संगतां जांदियां ने। ये पालकी का मैं सीन कई बार आ तुसीं देख रहे हो जिहड़ा कि पार्क आ उत्थे बनी हुई, और पार्क दियां रौनकां एक दिन पहले माघ दी पुन्निया तो एक दिन पहले ये पालकियां जिहड़ियां चलदियां ने गुरु दे प्यारे उत्थे दे मैं दर्शन करवाउंदा। आओ अगले क्लिप मैं दिखाउण जा रहा गुरु दे प्यारिओ, मैं दिल्ली दी डायरी हमेशा दिखाउंदा आप जी नूं। दिल्ली दे विच गुरद्वारा जिहड़ा कि मंगोलपुरी दे विच के
ब्लॉक के और उस के ब्लॉक दे विच जिथे दे प्रधान एफ सी मल ने उत्थे सतगुरु नानक देव जी का प्रोग्राम अज प्रकाश दिहाड़ा मनाया गया। उत्थों दीआं झाकियां कुछ क्लिप मेरे को आए हुए ने और भीर जी दिखाया दिल्ली वाला जिहड़ा क्लिप आ अपने मनी दिल्ली दे क्लिप ये सतगुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा मंगोलपुरी के ब्लॉक दे विच मनाया जा रहा। साढ़े प्रधान जी उत्थे दे एफ सी मल जिहड़े इत्थे इंग्लैंड भी दो तीन बारी आ चुके ने सो इन्हां नूं बहुत बहुत बधाइयां। साढ़े जसविंदर पॉल जी उन्हां नूं बहुत बहुत बधाइयां जिहड़े कि हर गुरु घर दे विच जिन्ने भी दिल्ली दे विच गुरुद्वारे उत्थे जा के सेवावां निभाउंदे ने और कांची टीवी लई इह सारे रिपोर्ट ये उस गुरु घर दे विच सतगुरां दा सरूप प्रकाश है नाल बाणी प्रकाश है और उत्थे जिहड़ा एक जथा भी अज जिहड़ा कीर्तन करन आया है उहदा भी माण सत्कार कीता गया। सो गुरु दे प्यारिओ ये सांझा ने 25 तरीक नूं भी संतगढ़ दे विच क्रिसमस वाले दिन बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाया जाता है भाव कि असी तहाका मारदे आ गलवकड़ियां वास्ते भी आओ साडे गुरुआं ने कहा रविदास रहे प्रसन्न ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मंगोलपुरी दिल्ली दे विच के ब्लॉक दे विच नानक देव जी का प्रोग्राम मना रहे। हाँ जी जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव मैं थोड़ी कांशी टीवी ते अपील सुनी आ गुरु नानक बाबा जी दे साथी भाई मरदाना जी उन्हां दे परिवार वास्ते तुसी अपील कीती आ। मैं अजे अपील कीती नहीं असीं करांगे तुहाडी। हाँ जी जो तुसीं सेवा मैं जिद्दां ना जाके असीं आप चाहुंदे आ उत्थे क्योंकि असीं इदां नहीं भी तुसीं पैसे दिओ ते असीं किसे नूं फड़ा दईए। हाँ असीं साडी जदों टीम जाएगी ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਛ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਮਝੂਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਛੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਮਿਹਣੀ ਤੋਂ ਮਿਹਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੂੰਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਜਰੀ ਇੱਟਾਂ ਰੇਤਾ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਧਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ 2-4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਛੀ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸਮ ਬਸੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ
जे मेरे गुरु रविदास जी बाबा नानक जी कबीर जी सारे कट्ठे बैठ के इन्होंने प्रचार उदों कीता, मर्दाना जी भी बिच बैठे सी, ते असी उस चीज़ नू लैके तुरे हुए हैं। असी जातां पातां दे विच कोई विश्वास नहीं, जातां तां जिन्हें बनाईया वो तुहाडे ते अज राज कर रहे हैं, तुहानू पाड़ रहे हैं, तुहानू पाड़ रहे, शरेआम पाड़ रहे हैं। तो जिन्हां नू कट्ठे होना चाहिए असी आपस में ही फन्ने खां बनी फिरदे, साडियां धौणां च कीले अकड़े आ। सानू मान लेना चाहिए बाबे नानक ने साडे चों अकीले कढ़े आ धौण दे विचों जातां पातां दे। आ मरदाना जी दी मैं ताइयों गल्लां सुनाईआं, मरदाना जी का सारा प्रोग्राम इसे करके लाया। साडे ते बहुत वड्डी चोट वा बाबे नानक दी, ओए जिन्हां नू तुसीं नीवें कहिंदे आ उहनां दे नाल मैं तुरिआ आ। तुहाडी मैनूं कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। जिथे नज़र तेरी बख्शीश, सुगुरु दे प्यारिओ आओ। मैं प्रोग्राम दिल्ली का भी दिखाया सी, सरदार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किते असी गए ते कोशिश करांगे, पर मैं आ जिहड़ा उत्थे दी मैं उन्हां दी अपील सी, एक जाने कि मैं नाम नहीं लैना चाहुंदा टीवी ते, उस मीडिया ने उस परिवारां दी हालात नूं दर्शाया ते उन्होंने तरले किए सी कुछ साल पहला। जय गुरुदेव जी। हाँ जी शौंकी साहब पोगल जी, तुहाडे स्टाफ नूं, तुहाडे दर्शकां नूं गुरदेव सिंह पोगल वालों बहुत। हाँ जी पोगल जी तुहाडे चरणा च। हाँ जी वाहेगुरु जी का खालसा फतेह जी, फतेह महाराज फतेह जी आन जी। शौंकी साहब तुहाडा मैं प्रोग्राम देख रहा सी, मेरे को रिहा नहीं गया। रिहा तुसीं मैं बिलकुल सच्चियां गल्लां, मैं बड़ भागी आ, प्रोग्राम मैं बड़ भागी आ। तुसीं शाबाश दे हकदार हो बिलकुल। तुसीं आ जिहड़ी हुणे गल करके हटे हो ना जी, असीं गुरु नानक पातशाह ने तां मंनदे आ, ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋ ਫਲਾਨਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਤੋ ਫਲਾਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਯਾਰੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸਭ ਹਰ ਕੇ ਕੀਏ, ਹਮ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਖੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਆਪ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਸਾਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੁਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਨਾਮ। ਸਾਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੁਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਉਪਜੇ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਿਆਗ ਉਪਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਛੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਬਸ। ਸਾਜ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਸੁਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਉਪਜੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਰਾਗ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਿਆਗ ਉਪਜੇ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਿਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਵਣ, ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਰਮ ਨਿਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਉਪਜੇ। ਭੇਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਧਰਮ ਉਪਜੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਈ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਾ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਣਾ ਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਪੋਗਲ ਜੀ ਕਿਤੇ 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 ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੋਗਲ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਆ ਜਾਵੇ
वो उन्होंने ही आ सकती है जेडे इधर तुरे हुए ने जिन्होंने इश्क वा जिन्होंने अंदर तड़फ वा जेडे चाहते ने कि मैं ये इस समुद्र असी छपड़िया हथ लबेड़ी फिरते गारे तो जे बाणी के समुद्र कोख के नाल डूंघाई के नाल कि चुभी मारीे तो फिर रतन जवाहरात मिलते हैं किड़े रतन जवाहर उत्ते गुरु के चरण मिलते हैं फिर क्योंकि असी भी किंतु परंतु करने वास्ते सारे गलों पर ही बैठे हाँ गलों पर बैठे हाँ अज दुनिया सारी एवं नहीं आ सारे कमले नहीं आ जड़े बैठे है सारे कमले नहीं गुरु के प्यारे लखा करोड़ा दुनिया अज बाणी मत्थे टेकती है अज डे जड़े महल खड़े किए हुए ने गुरु के दरबार खड़े किए हुए ने इस संगतान जिन्हां दी अटैचमेंट आ ते जिन्हां दी डिटैचमेंट जो मर्जी कही जान जिन्हां दी अटैचमेंट आ मैं अपने बाप का सत्कार करना मैं उहदे नाल जिन्ने मर्जी एडजेक्टिव ला दियाँ श्री ला दिया श्रीमान ला दिया आदरिया ला दिया सत्कार योग ला दिया पूजनीक ला दिया मैं बाप की इज्जत कर रहा मैनू करनी पएगी करनी पैनी भी है ठीक करनी पैनी है मेरी जड़ वा जड़ वा जड़ लई मैं पत्तियां ते पानी नहीं पाउणा मैं जड़ च पानी पाउणा मैं जड़ नूं हरा रखना मैं पत्तियां ते पानी नहीं पाउणा पत्तियां ते पानी पैण दे नाल जड़ हरी नहीं रहिंदी सो आओ गुरु दे प्यारे मैं फिर बेनती करदा अज जिन्हां महापुरशां दे मैं नाम लै रहा मन दे सारी आ दुनिया किसी ना किसी महापुरश नूं मनदी है मनण दे ढंग वक्रे वक्रे हो सकते हैं तुहाडी भाषा वक्री हो सकती है तुहाडी मर्यादा वक्री हो सकती है लेकिन जिहनूं तुसीं मनदे हो तो इक्को ही है ना वह इक्को ही है नमाजा पढ़न वाले रोजे रखन वाले जकात देन वाले गुरु के प्यारो फिर कलमा पढ़न वाले वह भी कहिंदे ने अल्लाह इक्को आ ते जे उन्हां दा अल्लाह उन्हां दा ढंग उन्हां दा अपनी मर्यादा उन्हां नूं उस मर्यादा दे विच उन्हूं दिस रहा उस मर्यादा च दिस रहा ते इधरों नाम जपो वण छको किरत करो इधरों दिस रहा कीर्तन चो दिस रहा सतसंग चो दिस रहा सेवा चो दिस रहा लंगरां दी जिथे मैं पिछले हफ्ते गल कीती सी लंगर ढिड भरना नहीं हुंदा लंगर गुरु दे प्यारो लंगर ढिड भरना नहीं लंगर तो भाव है भी असी जुड़ के बैठे हाँ सानू जुड़ना दसदा है भाईवालता दसदा सानू मित्रता दसदा असी किवें इकट्ठे हो सकते हैं मैं आदे दुआले चक्कर मारा भी इधर मेरे पाटे कपड़े वाला बैठा तो इधर बैठा सतगुरां ने साडे च इह चीज़ां खत्म कीतियां चित्तौड़ विच गए सी ना झाला दे कोल गुरु रविदास जी ते मनुवादी कह लगे भी असी इहदे नाल लंगर नहीं खाणा अपने सेवक की आपे राखे वो कहिंदे इन्हां नूं तू खुश कर जय गुरुदेव अंकल कितें ठीक है बीबी अंकल मैं थोड़े एक गल करनी सी कर सकती प्लीज बीबी मैं टीवी ते बैठा इस वेले ओके ठीक है मैं थोड़े किन्ने बजे करा बाद च करियो मैनूं 7 बजे करियो थैंक यू ठीक बाय जय गुरु सो गुरु दे प्यारो मैं फिर बेनती करा भी जदों असी लंगर दे विच भी बहिंदे आ गुरु साहब ने चीज़ां खत्म कीतियां तां कीतियां वे भाई आपस विच प्यार पाओ ते जे भांडे वखरे जां कुछ भी है वह कुछ लोग है कुछ लोग बाबे नानक दी थ्योरी तो मिशन तो वह सखणे रहे ने वो गुरु गोबिंद सिंह दे उस प्यार तो जिथे एक भांडे च अमृत छकाया उहदे तो सखणे रहे हुए ने जे शक के भी फिर गुरु दे उस आशीर्वाद तो सखणे ने उस मर्यादा तो सखणे ने गुरु नूं चैलेंज करते ने जेड़े गुरु दे हुक्म नूं नहीं मानते गुरु नूं चैलेंज करते ने जेड़े गुरु दे बनाए हुए सिद्धांत नूं नहीं ना मानते तो वह गुरु नूं चैलेंज कर रहे हैं तो जेड़ा गुरु नूं चैलेंज करे बेमुख होए राम ते व्यापन सब है रोग
अज ताइयों असी आपसे खड़के दड़के करते हैं, ताइयों साडा प्यार नहीं, ताइयों एक दो दियां असी मैं वो गल्लां नहीं करनी चाहुंदा क्योंकि फिर कहंदे आ वी असी मैं नहीं चाहुंदा। हो गुरु दे प्यारे अज असी भरा भरा दा खून दा प्यासा आ, एक दूए नूं देखना ही नहीं चाहुंदे, देखना ही नहीं चाहुंदे, देखना नहीं चाहुंदे। मैं पिछले हफ्ते एक गल कही सी, बस गां नूं खोता कही जाओ, गां नूं खोता कही जाओ, पर जिहड़ा सूझवान वह गां नूं गां ही कहेगा, खोता नहीं कहेगा। अज जबरदस्ती को होना चाहुंदे ने, नहीं कहण वाला करूगा, क्योंकि इस करके मैं एक कल प्रोग्राम सुन रहा सी इंडिया तो किसी भाई ने स्टेज पर कहा, कहिंदे मिशन तां बहुत गां नूं जा सकदा, लत्तां खिच्चण वाले नहीं हटदे। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਾਵ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਆਹ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਸੋਰੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨੀਅਰ ਰੋ ਹੈਂਡਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਜਾਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਆਹ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਿਤਕਰੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕੇ ਦੀ ਜਾਂ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਬਿਤਕਰੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੌਕਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को होर भी एक दो प्रोग्राम से मैं अज यह प्रोग्राम से ले आना नहीं चाहता, जिमें कि मजदूर के मोगे दे विच मैं फिर सैचरडे नूं प्रोग्राम लावांगे। मोगे दे विच गुरु दे प्यारे गरीबां दे जिहड़े चाह दे खोके जां सब्जी दे खोके आ उत्थे सारे बलडोजर लै के उत्थों दी कौंसल ने ढा दित्ते जी, नजायज़ कब्जे है सरकार दे राहीं जां उत्थों दी कौंसल दे राहीं ढा दित्ते आ। देख के उन्हां नूं रोंदियां नूं कुरलांदियां नूं विचारियां नूं लेटदियां नूं देखिया जिन्हां दी रोजी रोटी रोज़ दा 100-200 रुपया कमा के बच्चे पढ़ना, ते उत्थे देख के फिर गल आउंदा वी सरकार इह तां चाहुंदी है वी असीं कब्जे हटा रहे हां, कब्जे खोखियां दे हटा रहे हां, ते जिन्हां दे कोल किल्लियां दे किल्ले पए आ, जिन्हां दे कोल 12-12, 18-18, 20-20 एकड़ जिन्हां दे कब्जे उन्होंने किए नजायज़ कब्जे आ, सरकार उधर भी कित मूँह कर लवे। बेनती आ तो यह तो नहीं है कि भी इस खोखे ला के इस खोखे ला के 20-25 खोखियां ढा के कहते जी एक खेत पर कब्जा कर लिया। भाई जिन्हां दे बड़े मगर माशा उन्होंने कित उन्होंने पुछो जिन्हां नूं पूरी रोटी मिलती है। हाँ जी, और लाओ जी जगजीत राम जी, सत्कार जो वीर जी मेरे वीर जगजीत राम जी उपल जगीर वाले सपुत्र भगत राम जी कुछ दिन पहला गुरु के प्यारे ये चढ़ाई कर गए ने इन्हां दे परिवार के नाल, बहुत बहुत अफसोस। रूप सम्राज जी तुहाडे नाल भी, बीबी विद्या जी के नाल भी, इन्हां दे बच्चियां दे नाल भी, नानके दादकियां रिश्तेदार दे नाल सारे नवा अफसोस जाहिर करदा। उपल जगीर वाले जिन्ने भी सारे आ उन्हां दे नाल मैं अफसोस करदा। सो इन्हां दा संस्कार है, इन्हां दा जिहड़ा फ्यूनल है 13 दसंबर 2023 बुधवार को सवेर नूं 9 बजे तो लैके 9:30 बजे तक 11 नंबर डोर नंबर 11 जूरिया गार्डन वैसब्रम B71 3NT उत्थे बक्सा आएगा। अद्धा घंटा रहेगा 9 तो 9:30 बजे तक। दोपहर का जिहड़ा संस्कार आ 10 बजे दा न्यूटन रोड सैंडवल वैली और उत्थे इन्हां दा 10 बजे संस्कार होगा B71 और उस तो बाद श्री गुरु रविदास टैंपल 186 स्टेपवुड स्ट्रीट वालसाल WS2 8ED उत्थे अंतम अरदास होगी। सारे प्यारियां नूं परिवार के रिश्तेदारों नूं बेनती है भाई दे अंतम दर्शन अते अंतम अरदास विच अते इन्हां नूं अंतम वदायगी दे विच पहुँचने की कृपालता कर। साड़ी अरदास है इस वीर नूं सतगुरु जी अपने चरणों च स्थान देण अते परिवार नूं इन्हां दे विछोड़े दा जो विछोड़ा आया सो उहदा दर्द झलण दा महाराज जी बख्शिश कर। गुरु दे प्यारे कंछी टीवी नाल जुड़े रहो, रब राखा, लोड़वंदा की मदद करो, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो गुरु दे प्यारे धन्यवाद करदा, जय गुरदेव, धन गुरदेव।